ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने इकबाल के लिए जानी जाती थी, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस को तमाम तरह की वो इनोवा गाड़ी, बोलरो, तमाम तरह की सुविधाओं से हेडक्वार्टर बना करके हमारी सरकार ने उसको समृद्ध किया था, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस आज जातिवादी हो गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। चंदौली में एक आईपीएस को एक दरोगा ने ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो कि तुम कन्नौज के चमार हो और मैं बनारस का ठाकुर हूं, ये बहुत ही दुखद है। और उत्तर प्रदेश के डीजी से समाजवादी पार्टी की मांग होगी कि ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, और आईपीएस एसोसिएशन से भी हम मांग करेंगे कि कम से कम आईपीएस एसोसिएशन आईपीएस अनिल कुमार के साथ खड़ा हो। और उत्तर प्रदेश में अपराध, बढ़ते हुए अपराध का यही कारण है कि अब पुलिस विभाग में भी जातिवाद चलने लगा है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसकी समाजवादी पार्टी भर्त्सना करती है और पुनः डीजी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करती है कि ऐसे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए और उन पर एसटी एससी के तहत मुकदमा दायर किया जाए।